सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलबर्ट एंड्रॉइड गेमिंग सेंटर चैनल में आपका वेलकम करता हूं। तो ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था मैं, जबरदस्ती आप मेरी हालत भी देख सकते हो, ये जबरदस्ती का वीडियो मैं बना रहा हूं। तो देखिए, मैं पिछले साल से वीडियोस बनाता आ रहा हूं, तो आपको फीचर्स मैंने बहुत सारे बताए थे, 14-15 फीचर्स मैंने आपको बताए थे गेम में जो आ सकते हैं। तो उसमें से भी बहुत सारे फीचर्स जो कंफर्म हो गए हैं। तो उसके बाद अब रिलीज डेट पूछते थे आप, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था रिलीज डेट के रिलेटेड बहुत टाइम से, लेकिन उस डेट पे फिर रिलीज नहीं होती थी, इतनी डिले हो गई है अब। लेकिन जो बार बार एक ही सवाल जो है आपका आ रहा है, देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके सामने वीडियो लाता हूँ और हर किसी को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट यहाँ पर जो बात है रिलीज डेट से रिलेटेड, मैंने रिसेंटली वीडियोज में बताया, 2-3 वीडियोज में बताया कि 15th जून तक जो है गेम आपको मिल जाएगी और ये तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। लेकिन फिर भी वीडियो 3 बनाने के बाद भी मेरे इनबॉक्स में आ जाते हैं लोग, ये मैं उनके लिए बताता हूँ जो बार बार ऐसा करते हैं, मेरे इनबॉक्स में आ जाते हैं, प्लीज कंफर्म कर दो क्या इस टाइम पे आएगी, प्लीज कंफर्म करो क्या उस टाइम पे आएगी। तो मैंने एक बार कंफर्म कर दिया, मैंने आपको बता दिया वीडियो में, उससे ज्यादा मैं क्या आपको बताऊँ, इनबॉक्स में कुछ अलग बताऊंगा मैं आपको यार। तो फिर आप मुझको एक बात बताओ कि YouTube चैनल बंद करो, हमको इनबॉक्स में ही सारी रिप्लाई दिया करो, तो वही करूंगा मैं इसके बाद। तो एक बार बताने से जो है बार बार देखिए, जो अभी समझदार लोग हैं वो तो अब बोलेंगे कि आपने वीडियो ही क्यों बनाई, आप क्यों बेकार में वीडियो बनाते हो, टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन वो समझदार लोग हैं, उनको पता है कि एक बार जो बात सुनी बार बार वही बात क्यों सुननी है। लेकिन बाकी लोग जो है एक बार बात सुनते हैं लेकिन बार बार वही बात फिर पूछते रहते हैं, इससे मैं भी परेशान हो जाता हूँ और मेरे व्यूवर्स जो है जिनको मेरे वीडियोस जो है एक बार समझ आ जाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ये मत किया कीजिएगा यार, अगर मुझको एक बार फिर पूछा आपने कि रिलीज डेट के रिलेटेड, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। रिलीज डेट एक बार मैंने बोला है कि 15th जून से पहले आ जाएगी गेम, अब कब आ जाएगी 15th जून से पहले, कल आ जाए, परसों आ जाए, 1st जो है जून को आ जाए, 5th जून को आ जाए, 10th जून को आ जाए, तो कुछ कभी भी आ जाए, लेकिन आएगी गेम। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि चलो इस दिन आ जाएगी तो वैसा ही होगा, कंपनी ने जब आपको कभी अभी तक नहीं बताया तो कि मैं क्या बताऊंगा आपको। जब कंपनी देखिए, अगर मुझको पता भी होगा ना रिलीज डेट, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपनी जब अनाउंसमेंट करेगी तो सब को पता चलेगा, कंपनी के भी कुछ अपने पॉलिसीज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जितना पहुंचाना है उतना मैं तो आप तक पहुंचाता हूं, जो आप कंपनी को पहुंचाना है उनको पहुंचाने दीजिए, हम तो गेस्ट वर्क पे ही वर्क करेंगे ना यार, कंफर्म करने आ जाते हो अभी 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 कब आ जाएगी, परेशान हो जाता है इंसान इस चीज से। तो आएगी, अब कुछ इतना वेट किया है, अब कुछ दिन और वेट कर लो यार। तो अब तो वीडियो बन ही गया है, एक और इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करना चाहता था, अब गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ यार, तो एक और इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करना चाहता था। देखिए, आप में से बहुत सारों को कन्फ्यूजन है कि 3GB रैम जिनके पास होगी या 2GB रैम, तो उनको क्या दिखाएगा, उनको गेम आएगी डिवाइस पे दिखाएगी या नहीं। देखिए, अभी एक नया फीचर जो है गूगल प्ले स्टोर पे आया है, उसमें आपको नीचे दिखाता है जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो गेम या ऐप की, तो उसमें से आपको दिखाता है कि ये गेम या ये ऐप आपके मोबाइल पे कंपेटेबल है कि नहीं, चलेगी या नहीं, वहां पर दिखाता है कंपेटेबल है कि नहीं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाता है। अब कुछ लोगों को नहीं होगा ये फीचर आया होगा, लेकिन उनको भी आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको रियल क्रिएट 22 जब आएगी, अगर आपके पास 3GB मोबाइल है तो आपको यहाँ पर कंपेटेबल नहीं दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि आपका डिवाइस कंपेटेबल नहीं है, आप ये गेम नहीं खेल सकते हो। अब फिर आ जाती है बात कि आप थर्ड पार्टी से डाउनलोड वगैरह करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों कोई फायदा नहीं है, तो जब गेम आ जाएगी उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों कोई फायदा नहीं है किसी और साइट से डाउनलोड करने की ये गेम। तो होप कि अब एक ही क्वेश्चन बार बार ना पूछा जाए, अब जो है रिलीज डेट का वेट करो यार, रिलीज डेट जब कंपनी बताएगी तब अब बात करते हैं, उससे पहले तो अब मुझको लगता है कि जब तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब तक कोई वीडियो नहीं आएगी मेरी तरफ से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब कुछ इंपॉर्टेंट होगा या गेम रिलीज हो जाएगी तब अब बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।